सीवान जिले के मैरवा में सरकार जन जीवन हरियाली कार्यक्रम आयोजित कर पेड़ पौधा लगाने का निर्देश दे रही है, जिससे पर्यावरण में हरियाली बना रहे, जो लोगों को शुद्ध ऑक्सीजन मिल सके। वहीं दूसरी तरफ मैरवा के सिसवा खुर्द गांव में एक किसान के जमीन में सागवान का हरा वृक्ष जबरन काट देने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित किसान छोटेलाल गुप्ता है। उसने इस मामले में सीईओ को आवेदन दिया है। अपने दिए गए आवेदन में कहा है कि गांव के ही बलिराम उपाध्याय, राधेश्याम उपाध्याय जबरन सागवान का हरा वृक्ष काट लिया है। पूछे जाने पर अपनी जमीन बता रहा है, जो कुछ महीने पूर्व में सरकारी जमीन का नापी का सभी पक्षों को संतुष्ट करा दिया गया था, जिसके बाद भी दबगई कर हरा वृक्ष काट लिया गया। पीड़ित ने आरोपी पर सख्त कार्रवाई करने की गुहार लगाया है। सीवान से संदीप यति की रिपोर्ट। एक तरफ मुख्यमंत्री का ये है कि पेड़ लगाओ, देश बचाओ, ठीक है, पर्यावरण के लिए मतलब जो हो रहा है। एक तरफ जो है कि जन जीवन हरियाली फेल होते दिख रहा है। हम मैरवा अंचल में आवेदन दिए हैं सीओ साहब को, जो कि सीओ साहब बोले हैं कि ठीक है, हम इस पर उचित कार्रवाई कर रहे हैं और आवेदन दे दिए हैं। कुछ लोगों ने ये पेड़ जबरदस्ती काट दिए हैं। आपका नाम? हमारा नाम छोटेलाल गुप्ता हुआ। चलिए ठीक। घर आपका? घर राशन प्रसाद घर, ग्राम सिसवा खुर्द, पोस्ट लेवरी। Press the bell icon on YouTube and never miss another update.